सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो है हम लोग जो है जौनपुर सिटी उतरे। ये देखो ये जौनपुर सिटी स्टेशन है और हम लोग स्टेशन के बाहर अभी जस्ट आए हैं। अब यहाँ से जो है हम लोग गाड़ी पकड़ेंगे, रिक्शा बोले तो बैटरी वाली रिक्शा, और रिक्शा पकड़ के जाएंगे यहाँ पे बस पकड़ने के लिए। तो चलते देखते कैसा रहता है। तो हम लोग ये रिक्शा में बैठ गए, रिक्शा में बैठ के जा रहे हो वही पड़ाव पे, वहाँ से बस पकड़ के फिर जाएंगे। तो हम लोगों को रिक्शा मिल गया यहाँ से, मेरा और रहीम का 50-50 रुपये मांगे हैं, तो चलेगा। तो यहाँ से चलते फिर। पहुँचे, आज का दिन कुछ खास है, सारी चीज़ें बंद है क्योंकि आज के दिन इलेक्शन है, तो सभासद का इलेक्शन बोलते हो। और तो क्या बोले थे हमने, वो चेयरमैनी का इलेक्शन भी बोलते हैं। जैसे अपने गांव में प्रधानी का इलेक्शन होता है, ऐसे जो है सिटी में चेयरमैन ही बोलते हैं, सभासद का इलेक्शन होता है। तो उसकी वजह से जो है हम लोग को टेम्पो तो दूसरे रास्ते से ले जाना था, लेकिन ये रास्ते से लेके जा रहे हैं। और रास्ता माशाल्लाह इतना अच्छा, आप लोग देख ही सकते हैं कितना ख़राब जो है उछड़ रहे हैं। और ये तो थोड़ा ठीक है, लेकिन इससे पहले जो है और ख़राब रास्ता था। जल्दी किसी भी करके पहुँचे भाई पहले। तो अपनी ये गाड़ी से उतर गए रिक्शा से, अब ये वाली गाड़ी में बैठने जा रहे कि जाएगी सिकरारा तक। लोग सिकरारा चौराहा उतरे, यहीं तक वो गाड़ी ने छोड़ा। ये देखो सिकरारा चौराहा यहीं तक छोड़ा, यहाँ से दूसरी गाड़ी पकड़ के फिर जाएंगे। यहाँ चाय साहब की चाय पियोगे, चाय वाय पी लेते फिर चलते। आराम से गिरा ये रही मस्त कुल्हड़ वाली चाय, गर्मा गर्म। हम लोग चाय पी लिए, पान खा लिए, अब गाड़ी आवे इंतजार है। गाड़ी का गाड़ी आ जाती फिर चलते। तो भाई अभी गाड़ी का इंतजार देखते देखते जो है अपने को भूख लग गई, गाड़ी तो आई नहीं, तो अपने यही खा लेते बट्टी चोखा बन रहा है। देखो ये देखो ताज़ा ताज़ा बट्टी चोखा बन रहा है, तो अपने यही चलते खाते। मेरा बट्टी चोखा देखना, गिराना नहीं है, चल खा। ये रहा अपना बट्टी चोखा, अभी चालू करके बिस्मिल्लाह पढ़ते। दोस्तों हम लोग गाड़ी से उतर गए, अब ये बराई पार चौराहा पे पहुंच गए। देखो ये जो मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हो ना, ये बराई पार चौराहा है। अब जा रहे अपने दादा की दुकान पे, मेरे चाचा को बुलाए, वो आ रहे लेने बाइक लेके। तो दादा की दुकान में बैठते हैं फिर आएंगे लेने, उसी बाइक से चलेंगे घर। पहले मेरे दादा की दुकान है जूते चप्पल की, अभी बंद है, अभी तो है नहीं कोई, बंद है, अभी आएंगे तो फिर चलेंगे, अभी बैठने जैसा भी नहीं। दोस्त मेरे दादा जो है गाड़ी लेके आए थे, चाचा नहीं आए, तो दादा जो दादा को दुकान खोलनी थी तो दुकान खोल दी, बोले तुम लेके चले जाओ रहीम को घर पे, चले जाओ गाड़ी लेके खुद ही। तो मेरे को खुद ही गाड़ी लेके जाना पड़ रहा है, तो चलते चाचा आए नहीं, इसके लिए मेरे को दादा दुकान खोल दी, इसके लिए मेरे को खुद गाड़ी लेके जाना पड़ा। ये देखो रहीम बैठे और हम लोग पेड़ के नीचे रुके, ये रही गाड़ी एक्टिवा है, अब चलते। ये देखो ये बराई पार वाला रोड है, ये चौराहे से और ये जो है नहर की तरफ जाता है, अब यहाँ से आगे चलते। तो कुछ लोग बोल लेते हैं कि तुम्हारे नहर पे रास्ता नहीं है, रोड नहीं बना हुआ है और धूल धूल है, जो देखते काला रहता है जाता है तो गोरा जाता है, ऐसा नहीं है। लो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये नहर वाला रोड है, सड़क बना हुआ है, लेकिन ये कि शहर के जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी चलने लायक है, बहुत ठीक है, मतलब हम लोग के लिए तो ठीक ही समझ लो, बहुत ख़राब भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। तो गोरा काला आदमी गोरा नहीं हो जाता, बल्कि ठीक है। मत मोबाइल ना भाई, हाँ गिराए मत न। A few moments later. तो हम दोनों भाई मस्त आ गए नहाने के लिए, अभी उतरे थे घर पे जो है पानी वानी पी के, अब आ गए यहाँ नहाने के लिए। ये रहीम भी लुंगी रखा है, मैं भी लुंगी रखा हूँ, और ये रहा नल, यही नल है। अभी अबे लोटा तो लाया नहीं, कलाकार इंसान लोटो है। तो दोस्तों ये प्रधानी ऑफिस, इसमें कुर्सी तख्ता और ये तिजोरी सरकारी, और ये जो है कंप्यूटर रखा हुआ है, ये भी प्रधानी का ही है, ये प्रधानी का इन्वर्टर उन्वर्टर लिखा हुआ। टाइम देखो ऑफिस का, ग्राम पंचायत कार्यालय ग्राम पंचायत चकनोबाद, और सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक है, बाकी अभी ये बंद है। बाकी रहीम नहा धो के फ्रेश हो गया, चले गया घर, उसको पूछा है, अब मैं भी चल के नहा धो लेता हूँ,
उसके बाद फिर खाना वाना खाता हूँ। बाकी देखो ये नल है, यहीं पे अपने को नहाना है, और ये जो है बाथरूम है, नीम का झाड़ है और ये सब पेड़ लगा हुए, सब घर वालों ने लगाया, अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है। तो चलते नहाते धोते। तो दोस्तों ये देखो मैं नहा धोगी, मैं फ्रेश हो गया, अब नहा धो लिए, रहीम तो पहले ही नहा धो लिए, अब चलते अपने खाना पीना खाते हैं। 10:45 बज गए लगभग, चल के खाना पीना खा के थोड़ा आराम करेंगे, फिर शाम को चलेंगे बाजार, फिर वहाँ पे थोड़ा घूमेंगे, चलते फिर। दोस्तों मैं तो सो के उठ गया, मस्त हाथ मुँह धो के फ्रेश हो गया, और ये देखो ये जो दिख रही है, पहले जब हमारे वहाँ भैंस थी तो इसमें खाती थी, ये भैंस के खाने वाला हाउदी बोलते इसको। और ये जो तीनों पेड़ दिख रहे हैं, 1, 2, 3 और ये चार, ये चारों जो है अमरूद के पेड़ है। मैं पिछली दफ़ा आया था जब भी मैंने ये थाला, ये जो है मैंने भी बनवाया था, और जो है ये मिर्ची का पेड़ है, ये देखो ये वाला और ये वाला, ये सब मिर्ची के पेड़ है। बाकी ये सब्जी लगी हुई है, और ये जो है ये टमाटर है, अभी कच्चे टमाटर, और ये कोतमीर धनिया की पत्ती, ये सब यहाँ पे लगा हुआ है। बाकी ये पूरा ताल है, ये जिस तरह जैसे पूरा खेत होता है ना, तो उसको जो है ताल बोलते हैं। यहाँ से देखो वहाँ तक ठेठ, तुमको पूरा मछली शेर की सड़क है, वहाँ तक खाली खेत ही खेत नजर आएगा, तो इसको ताल बोलते हैं। जो साइकिल वाला जा रहा है बीच में सड़क है, बाकी पूरा खेत है। और ये भी आम का बगीचा है, छोटा सी बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन है, और ये जो है पूरा खेत है, तो इसके लिए वो ताल बोलते। और गेहूँ की जो है दवाई वाई सब हो गई, अब इसमें धान जो है जुताएंगे, धान बोएंगे बारिश तक। तो दोस्तों मैंने अभी ताल खेतों दिखा दिया, और मैंने वो अपने कारखाने में सब बोलते रहते हैं, वो नईम भाई, वारिस भाई और जितने भी सब लोग हैं, इमरान भाई, कि रियाज भाई का घर जो है बहुत दूर है, गांव से एकदम हट के बना है, लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन मैं तुमको दिखाता हूँ कितनी दूर। देखो ये तो जो है मेरा है, ये जो है ऑफिस से समझ लो यहीं ख़त्म है, बाकी इसके आगे खेत है। बाकी ये देखो रियाज भाई का पुराना वाला घर है, और ये एरिया नया वाला घर, कितना दूर है समझ लो, 25-30 कदम है बस समझ लो। ये गांव की बस्ती है, जो है खेत में जो पहला खेत है वही जो इनका घर है। अभी पास से चल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखो, ये जो खम्बा है रियाज भाई का खम्बा है, वहाँ घर से जो है इनके खम्बे में यहाँ लाइट आई है, बोल लेते मेरा खम्बा दिखा देना कहाँ से लाइट गई है। तो यहाँ पीछे से जो इनके वहाँ ये लाइट है खम्बा, बाकी ये घर है पूरा। और इन्होंने 2 पेड़ लगाया था यहाँ पे, वो सूख के लकड़ियों के जल ये ख़त्म हो गया, और थोड़ी बहुत यहाँ पे सब्जी लगी है। बाकी ये जो है ढाबे वाला मस्त बनवा दिए, थोड़ा बहुत काम बाकी है, अब आएंगे अब की बात तो पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो सब लोग उनको बोल लेते, बार बार मजाक उड़ा रहे थे यहाँ वहाँ, जो हकीकत था वो मैंने दिखा दिया। वो बजट तो इतना ज़्यादा लग गया, मैं बता नहीं सकता, नहीं तो 2-4 लोग बेहोश हो जाएंगे, जाने दो ख़त्म करो। तो ये दोस्तों ये देखो, ये वाली सड़क थोड़ी ख़राब है, थोड़ा दिक्कत होती है इसमें। अस्सलाम वालेकुम। ये जो अपने पुल वाली सड़क है थोड़ी ख़राब है, खड़ंजे वाला, बाकी वो सड़क तो अच्छी है। वो अभी अपने निकल चुके हैं, मैं शाम को असर की नमाज़ पढ़ के जा रहे हैं बरई पार, थोड़ा खा पियेंगे, घूमे टहलेंगे, क्योंकि कल अपने को जाना है। वो अभी निकल चुके हैं, तो बाकी गांव का जो वाइफ शादी आके वो तो अलग ही है, क्योंकि देखो इतना सुहाना मौसम रहता है। तो ये देखो, लेकिन नहर में पानी नहीं इस वक्त, गर्मी का टाइम है, अभी पानी सूखा हुआ है, बाकी तो फिर बिना पानी के तो नहर है ही नहीं, समझ लो मज़ा नहीं आती। अपने बराई पा रहे हैं, सबसे पहले चलते अपने लंगोटिया रिसरार से मिलने, उनसे मिलने के बाद फिर कुछ खाएंगे पियेंगे। ये रिसरार मास्टर की दुकान। अस्सलाम वालेकुम। और खरीदा है? दम चिकना बना, दम चिकना बना। तू बिजी है का बैठी भाई, बिजी है एकदम का बैठी, हिसाब किताब चालू बगा है? थोड़ा बिजी है, रख ले रख ले आराम से। तो दोस्तों मैं अपने लंगोटी यार इसरा भाई के पास पहुंच गया हूँ, इनकी मस्त दुकान है, ये देखो पीछे अभी मैंने दिखाया ही, ये इनकी दुकान है।
तो यहीं पे रहते हैं और मैं आया हूँ खाली एक ही दिन के लिए, तुम्हें बोला इनसे मुलाकात करना जरूरी है। अब इनसे मिल उल ली, हाल चाल ले लिया, अभी कुछ खिलाए पिलाएंगे ना, खिलाओगे? हाँ यार बिल्कुल खिलाएंगे यार, आप सबसे मिल के बहुत खुशी हुई हमें। वो जो है कल ही सुना था मतलब हलीम भाई आने वाले हैं, हमको बहुत खुशी हुई, कम से कम एक दिन तो जो है मुलाकात हो जाए। हाँ मेरे को कल ही जाना है, इसके लिए बोला चलो पहले इनसे मुलाकात कर लो, फिर उसके बाद सुबह ही निकलना है, इसके लिए इनके पास चला मुलाकात करने के लिए। किसी से मिलूँ नहीं मिलूँ, इनसे मिलना जरूरी है समझ लो। दोस्तों हम भी जो है बिजी रहते हैं, दुकान छोटा मोटा जो है दुकान खोली है, इसीलिए जो है हलीम भाई जो है हमसे मिलने चले आए। घर पे हो सकता है जो है टाइम ना मिले आपको, जो है रात में जाए कब जाए जो है, तो इसीलिए चलो फिर अब चलते फिर कुछ खाते पीते। स्पेशल चाहिए वही चाहिए। अब वो इसरार तो दुकान छोड़ के आ नहीं सकते, इसके लिए मैंने देखो ये पार्सल करवा रही है, छोला जलेबी दोनों, तो वही चल के जो है खाते उसकी दुकान पे। तो दोस्तों देखो ये गुड़ वाली जलेबी और ये छोला, इसमें समोसा वमोसा छप रहता है, यही जो है समोले बाजार में बराईपर बाजार में ठीक, और ये गुड़ वाली जलेबी। अब ये नहीं खिला रहे, मैं सोचा मैं ही ला कर खिला दूँ इनको, ये तो दुकान छोड़ के जाएंगे नहीं। तो हमने खा पी लिया मस्त जलेबी भी और छोला भी, अब थोड़ी बातचीत करेंगे फिर यहाँ से चलेंगे। ना ही भाई गिराया मत। तो दोस्तों हम लोग जो है ये देखो इतरार चला रहे और मैं जो है पीछे बैठा हूँ, मैं साइकिल पे बैठ के जा रहे, चाहते तो वो गाड़ी से भी जा सकते थे एक्टिवा पे बैठ के, लेकिन समझ लो बहुत दिन बाद इसके पीछे बैठा हूँ और ये बैठा के चलाते उलाते नहीं जल्दी, क्या मालूम कैसे तैयार हो गए, तो इसके लिए मैं गाड़ी छोड़ दी इनके साथ साइकिल पे आके। तो अब ये भाई चला रहे मैं और मैं जो है बैठ के जा रहा हूँ, ऐसे इंजॉय करते करते। चल राजा चल रा, अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह।